तो क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, और बढ़िया भी रहना क्यों गाइस, नया साल में नया जबरदस्त जबरदस्त इवेंट आ रहा है तो बढ़िया तो रहना ही पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर सबसे पहले डेविल किंग करके ऐसा खतरनाक बंडल आने वाला है ना, क्या ही अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिर उसको देख के आपका डर लग जाएगा, इतना खतरनाक बंडल है। और जो है आर्टिक ब्लू बंडल भी रिटर्न आ रहा है और ब्रेक डांस बंडल भी आ रहा है, तो गजब वाला बात हुआ ना। तो आप सभी के पास एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। चलिए गाइस बिना किसी रट को वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर डालो और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलेगा। और गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन पे और एक आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरा सेकंड चैनल का, और उसमें जाके आप सब्सक्राइब कर डालो। 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 10 डीजे आलोक का गिव अवे करूंगा। तो आप बोलोगे 1000 सब्सक्राइबर, जी हाँ दोस्तों आप जाके सब्सक्राइब करोगे, ऐसा ही और फ्रेंड जाके सब्सक्राइब करेगा तो 1000 सब्सक्राइबर 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो, जाओ जाके सब्सक्राइब करके होल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और 10 डीजे आलोक गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। तो चलते हैं मेन जो है अपडेट की तरफ। तो मेन अपडेट है यहाँ पर फेब्रुअरी एलाइट पास का जो प्री रजिस्टर है, तो प्री रजिस्टर आ चुका है, गजब वाला स्केटबोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हो उसका वीडियो, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। और जो है एक बात बताओ, जिसको नहीं पता है वो इस बात को सुन लो, यहाँ पर जो प्री रजिस्टर वाला जो चीज यहाँ पर आता है ना वो सबसे रेयर होता है, तो आप प्री रजिस्टर वाला जो चीज है उसको ले लेते हो, जो रिवार्ड होता है उसको ले लेते हो, बाद में देखना किसी बंदे के पास भी ऐसा रिवार्ड नहीं होगा। बहुत कम परसेंट प्री रजिस्टर करते हैं, और प्री रजिस्टर का जो रिवार्ड होता है ना बहुत ही कीमती, और कभी भी वो बंडल जो भी चीज स्केटबोर्ड जो भी चीज आता है ना, ग्रेनेड आता है ना, कभी भी नहीं आता है। तो आपके पास है तो आपके पास एक रेयर आइटम है, तो ये सोच लो। और प्री रजिस्टर करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारा डायमंड है तो प्री रजिस्टर कर सकते हो। और नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर वन पंच मैन का जो इवेंट है उसका जो पिक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हो, और वन पंच मैन का तो बहुत सारा कुछ आ रहा है, मैंने एक दो वीडियो पे बताया भी था, और ये ग्लोबल जो है कोलैबोरेशन है, तो इसीलिए 10 जनवरी सभी सर्वर में एक वन पंच मैन का कोलैबोरेशन होगा और इवेंट भी आएगा, उसका सभी कुछ चेंज हो जाएगा, गेम का हुलिया ही चेंज हो जाएगा, लॉबी चेंज हो जाएगा, गेम का फ्रंट पेज चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और कुछ अब जो है वन पंच मैन जब तक इवेंट चलेगा तो उस टाइम तक यहां पर सभी कुछ चेंज होता रहेगा। और गाइस थर्ड नंबर अपडेट है, गजब वाला बात है, उसके पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर लो फ्रेंड। और थर्ड नंबर जो अपडेट है यहां पर वो है नेक्स्ट इंक्यूबेटर, और नेक्स्ट इंक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट यहां पर देख सकते हो, किसका ब्लूप्रिंट है कमेंट सेक्शन में बताओ, 1-2 सेकंड आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं बता पाते हो तो मैं बता दूंगा गाइस। तो ये है P90 का जो है ब्लूप्रिंट, आपको समझ में आ रहा है P90 का कैसे हुलिया चेंज कर दिया, P90 का ये ब्लूप्रिंट है। और P90 का चारों ब्रूज जो है P90 आपको दिखाई दे रहा है, इसका एबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पता चल जाएगा तो आपको बता दूंगा। तो ये जो है सबसे पहले ऑरेंज वाला को देख सकते हो, ऑरेंज वाला काफी मेरे को अच्छा लगा, और रेड वाला भी बहुत ही अच्छा है, साइड में ब्लू वाला भी देख सकते हो, सभी कुछ मेरे पास है और एक एक करके दिखा भी रहा हो, ग्रीन वाला को भी देख सकते हो। ये चारों जो है MP40 मेरे को, सॉरी MP40 नहीं P90 मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एबिलिटी के माध्यम से वो चेंज होगा तो एबिलिटी अभी भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है ऑरेंज जो है वो सबसे टॉप में रहेगा, 7 ग्लोस्टोन और जो है 3 ब्लूप्रिंट के साथ वो मिलेगा। और दूसरा मिलेगा जो ग्रीन, यहाँ पर रेड है, रेड आपको मिलेगा, रेड नहीं सॉरी ग्रीन आपको मिलेगा, ग्रीन मिलेगा यहाँ पर 5 इवोल्यूशन स्टोन के साथ और 2 ब्लूप्रिंट के साथ। मेरा ये अंदाज है सही नहीं हो सकता, यहाँ पर 60% चांसेस है मेरा अंदाज सही हो जाएगा, पोकार MP40 बेस पे बोल रहा हूँ मैं। और गाइस यहाँ पर सबसे जो है चौथा नंबर अपडेट है यहाँ पर मैजिक क्यू का आर्टिक ब्लू बंडल, ये इधर उधर हो जाता है, आर्टिक ब्लू बंडल इधर उधर तो होता ही है। तो उसके पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक सब्सक्राइब कर लो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टोर में मैजिक क्यू वाला सेक्शन पे आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा रेयर रेयर बंडल आपको मैजिक क्यू में रिटर्न आने वाला है, और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो बंडल देख रहे हो हमारे इंडियन सर्वर में नहीं आया है, लेकिन सबसे गजब वाला जो बंडल सबसे बेसब्री से जिसको लिए इंतजार कर रहे हो वो बंडल यहाँ पर कुछ देर के बाद आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो ये बंडल भी आएगा।
और जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, ये जो ब्लू आर्टिक बंडल और ब्रेकडांस बंडल, देखिए दोनों बंडल मैजिक क्यू में आया है बाहर के सर्वर में, तो उम्मीद करता हूँ इंडियन सर्वर में जरूर आएगा। और कैसा लगा ये जो ब्लू आर्टिक बंडल, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप फिर से बता रहा हो कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तो लाइक करना ही पड़ता है। ब्लू आर्टिक बंडल यहाँ पर तो मैजिक क्यू में दे रहा है ब्लू आर्टिक बंडल, लेकिन जो है दुख का बात है इंडियन सर्वर में मेरे को लगता है ये मैजिक क्यू में कभी भी नहीं देगा, और ये कुछ इवेंट पे आएगा, पक्का इवेंट पे आएगा और बहुत सारा डायमंड का लोचा करेगा। यही इंडियन सर्वर का प्रॉब्लम है, क्यों गाइस पार्शियली क्यों होता है इंडियन सर्वर का, इतना पार्शियली क्यों होता है मेरे को अभी तक कुछ भी पता नहीं आया। इंडियन सर्वर में इतना क्यों पार्शियली होता है, बाहर सर्वर में तो सभी कुछ फ्री मिलता है लेकिन इंडियन सर्वर में घंटा मिलता है। क्या गाइस क्या प्रॉब्लम क्या है करने वाला का, इंडियन सर्वर में इंडियन को अच्छा नहीं लगता, उसको सबसे ज़्यादा गेम प्ले तो इंडियन सर्वर में भी होता है जो फ्री फायर है सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इंडियन सर्वर में क्यों नहीं देता है। देखिए बाहर सर्वर में ब्लू आर्टिक बंडल ब्रेक डांस बंडल इतना रेयर है ये बंडल, क्या ही बोलो मैजिक क्यू में दे रहा है। मैजिक क्यू तो सभी के पास एक एक मैजिक क्यू पड़ा हुआ है, मेरे पास भी है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं देगा इंडियन सर्वर में तो नहीं देगा ये ब्लू आर्टिक बंडल ब्रेक डांस बंडल, ये कुछ पक्का अलग से इवेंट पे देगा जिसमें बहुत सारा डायमंड लोचा हो रहा है। अरे गलती हम लोग ही करते हैं, हम लोग टॉप अप करके जो भी इवेंट आता है उसको, जो घटिया सा इवेंट आता है उसको भी यहाँ पर निकाल लेता है यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग ले, इसीलिए जो है ये ऐसा इवेंट नहीं आता है। तो जो कुछ भी इवेंट डालेगा उसको ले लेगा तो क्यों आएगा ऐसा इवेंट, तो ये मेन फंडा है यहाँ पर इंडियन सर्वर में, इतना क्यों घटिया चीज़ इतना पार्शियली क्यों होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो जरने वाले ने यहाँ पर स्ट्राइक दे देगा। तो आपका क्या राय है, ये जो है मैजिक क्यू में आएगा, आप कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन दो, कमेंट सेक्शन में बताओ मैजिक क्यू ये इस मैजिक क्यू में एक्सचेंज करके ब्लू आर्टिक बंडल और ब्रेकडांस बंडल किसी भी एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और गाइस जो फिफ्थ नंबर अपडेट है यहाँ पर वो है एक इंक्यूबेटर रिटर्न में एक इवेंट आएगा, बहुत सारा सर्वर में जो दिखा रहा हूँ ये जो ब्लू वास्टर बंडल है ना इसका जो है एक इंक्यूबेटर में नहीं लाक रॉयल पे मिलता था बहुत सारा बंडल जो है बहुत दिन पहले बहुत सारा सर्वर में दिखा था यहाँ पर लाक रॉयल मिल रहा है, लेकिन इंडियन सर्वर में ऐसा बंडल कभी भी नहीं आया है। आपको लगता है आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को तो कॉन्फर्म न्यूज़ है ऐसा बंडल कभी भी इंडियन सर्वर में नहीं आया है। तो चांसेस है ये इंक्लूडर में आएगा, इसका मेल और फीमेल बंडल दोनों इंक्लूडर में आएगा और इंक्लूडर जो रिटर्न इवेंट होता है ना उसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और शायद कुछ अलग से इवेंट पे भी मिल जाएगा। 60-60 चांसेस है, और जो है अब सॉरी 50-50 चांसेस है, 60-60 चांसेस नहीं होता है क्या ही बकराओं में, तो 50-50 चांसेस है यहाँ पर कुछ इवेंट पे आपको मिलेगा और शायद आपको कुछ यहाँ पर इंक्लूबेटर में भी मिल सकते हैं। तो चांसेस है, फ्री में तो नहीं देगा, डायमंड तो लूटेगा ही। और गाइस जो सेवन नंबर अपडेट है वो है डेविल किंग को लेकर, और डेविल किंग का आप अपडेट यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर इसका जो लुक है मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। इसको लेकर जो एनिमी के सामने खड़ा हो जाऊंगा ना एनिमी तो यहाँ पर सुसू कर देगा, जो है गुली निकलने से पहले ही वो सुसू कर देगा, बहुत ही खतरनाक बंडल है और इसको देखने पर ही बहुत ही आपको डर लगेगा। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये बंडल, और ये बंडल मैं उम्मीद करता हूँ जरूर इंडियन सर्वर में आएगा, कुछ अभी तक कोई भी सर्वर में नहीं आया है लेकिन कुछ ब्राजील यूट्यूबर में इसको लीक कर रहा है ये आएगा, मेरे को भी लगता है ये आएगा, ये फेक वगैरह नहीं होगा, ये कॉन्फर्म आएगा और ये बहुत ही अच्छा बंडल है। आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो बोलूंगा ऐसे जो है बंडल हमारा इंडियन सर्वर में क्या सभी सर्वर में आना चाहिए, खतरनाक बंडल है, ऐसे बंडल देखेगा एनिमी ना बहुत ही जो है उसका बुरा हाल हो जाएगा। और आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी तक इस को सब्सक्राइब नहीं किया फिर से बता रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब करके होल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और 10 डिजालॉग के लिए पार्टिसिपेट कर लेना। और अभी तक ले सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो पे, तब तक ले अच्छे रहना भाई लोग, बाय बाय।